तो अभी हम लोग आया है सिलीगुड़ी नए रोड खालपाड़ा में, जहाँ से जितना भी राशन वगैरह का जो भी ग्रोसरीज आइटम का माल वगैरह इधर से लोड होता है, पूरा दार्जिलिंग सिक्किम कालिम्पोंग खरसाङ मंगपू जितना भी जाता है और माल इधर से लोड होता है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएगा यहाँ से कैसे लोड होता है और यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिलेगा आप लोगों को। आप लोग भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है माल खरीदने के लिए गाड़ी लेके। और हमारे साथ भैया है एक तो वो लोड करता है। भैया तो भैया क्या खबर? ठीक है। तो क्या अभी क्या चल रहा है, बाजार कैसा चल रहा है? कमाई चल रही है अली अली अलिअलि लोड हुँदैछ, कमाइ राम्रै छ हुँदैछ। दिनमा त 5,000 त हुन्छ होला, 5,000, 7,000, 10,000 हुन्छ। त्यति भएन अन्त महिनामा त अन्त 1.5 लाख भइहाल्छ त। भइहाल्छ, 1.5 लाख भएन सरकारी नोकरी गर्नु परेन, होइन पर्दैन। हामी पनि अब यता आउनु पर्ने हो काम गर्नु, 1.5 लाख लाग्छ काम गर्नुको लागि, 1.5 लाख थाप्नु पर्छ पहिला पहिला दिनुपर्ने। ल भइहाल्छ। गाइस अभी हम लोग है सिलीगुड़ी नेहरू रोड में, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी लोड करने के लिए आया है, तो हम लोग भी लोड करने के लिए आया। जितना भी पहाड़ का गाड़ी यहीं से लोड होता है और बाहर से भी जितना इनपुट हो गया सामान आता है यहीं पे अनलोड होता है। जो भी बाहर से बड़ा बड़ा 10 चक्के 12 चक्के 16 चक्के 22 चक्के गाड़ी यहाँ पे आके सीधा अनलोड होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गोडन वगैरह है और यहाँ से ले जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु का भी गाड़ी आया है, TN नंबर का तमिलनाडु का ट्रक ये लोड नहीं करा जाता है क्योंकि ये लोग उतना ओवरलोड नहीं लेके चलता है। और ये लोग का भाई भाई इधर रखें जाओ, इधर रखें जाओ, ठीक है। से तो पहले यहाँ से लोड होगा हम लोग का गाड़ी, लोडिंग चालू। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चावल पूरा का पूरा चावल भरा है गोदाम के अंडर में। कौन सा क्वालिटी का चावल, बहुत सारा क्वालिटी का चावल है यहाँ पे। अभी फाइनली हम लोग का चावल तो लोड हो गया, चावल लोड होने के बाद अब सीधा जाएंगे मेन मेन मार्केट के अंदर में, जहाँ से पूरा का पूरा गाड़ी लोड हो जाएगा। उधर में जाके 4-5 दुकान में माल डालेंगे। अच्छा, और उसके बाद टेलीकास्ट का सामने से, उसके बाद पहाड़ वगैरह जितना भी ग्रोसरी आइटम राशन वगैरह इधर से लोड आता है। 20 साल का तजुर्बा छा, यो खमाली छा, यो खमाली 20 साल का तजुर्बा है इसके पास लोडिंग का। तिरपाल पूरा रेडी है, तिरपाल बारिश भी आने वाला है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से तेल लोड होगा। क्या लोग ने तेल का लोडिंग चालू कर दिया है, देख सकते हैं तेल लोडिंग हो रहा है, बारिश होने का पूरा चांसेस। गाइस अभी बारिश स्टार्ट हो गया है तो इसलिए हम लोग गाड़ी पे तिरपाल डाल चुका है और तेल वगैरह और चावल लोड हो चुका है और आटा भूस वगैरह लोड होने के। अभी जितना भी गाय का दाना होता है, मुर्गी दाना, ये सब वगैरह लोड करेंगे बाद में। फिर खमाली भैया लोड कर रहे हैं 20 वर्ष का एक्सपीरियंस लेके। अभी बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से हमारा लोगों का काम रुका हुआ है, लोडिंग रुका हुआ है अभी। तो कुछ देर के बाद बारिश थोड़ा सा थमने के बाद फिर से लोडिंग चालू हो गया। खमाली भैया देख रहे हैं बड़ा बड़ा आँख से, क्या खबर खमाली भैया? तो अब कितना देर में लोड हो जाएगा? लोड आ रहा है, देख सकते हैं नमक का लोडिंग शुरू हो चुका है, हो गया ना गाइस? देख सकते हैं फाइनली हम लोग गाड़ी तो अभी 80% लोड हो गया है, 20% बाकी है। खमाली भैया ऊपर से चिल्ला रहा है बहुत जोर जोर से। फाइनली लोडिंग हो गया कंप्लीट, पूरा का पूरा लोडिंग शेष। खमाली भैया रस्सी बांध रहा है।